क्या करूं क्या ना करूं। दीपक के घरवाले लाइन पर नहीं आ रहे, कौन ना कोई और जुगाड़ फिट करना पड़ेगा। और दीपक की घरवाली मेरे दिमाग में घुसी हुई है, क्या करूं। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ठीक हो पिताजी? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ड्यूटी जा रहा है बेटा? हाँ पिताजी, ड्यूटी जा। पिताजी, तुम्हारा खाना स्वाति ने बना दिया है, मैं उसे बोल दूंगा, वो दे जाएगी। ठीक है बेटा। पिताजी एक बात बताओ, मेरे बाद में स्वाति तुम्हारा ध्यान तो रखती है ना? हाँ हाँ बेटा, हाँ। स्वाति तो बिल्कुल मेरी बेटी है, मुझे अपना पापा समझ के मेरी सेवा करती है, बहुत अच्छी बेटी है मेरी। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये तो गया, अब देखता हूँ स्वाति को। राजी राजी, नहीं तो गैर राजी लाइन पर हवा के चलूंगा, मारने वाला नहीं हूँ। मुझे पता था आप वापस जरूर आएंगे। पिताजी आप? हाँ मैं, कोई दिक्कत है क्या? देखो पिताजी, मैं आपके बेटे की बहू हूँ। बहू ही तो है, क्या हो गया? ऐसा ही वो है, ऐसा ही मैं हूँ, दिक्कत क्या है ये तो बता। आपको शर्म आनी चाहिए पिताजी, ऐसी हरकतें करते हो। हरकत? अरे हरकत करने में ही तो मजा है, जितनी हरकत मैं करूँगा उतनी तुम करो। ए स्वाति बात सुन, तू भी जवान है और मैं भी जवान हूँ, आखिर दिल तो मेरा भी करता है ना। देखो पिताजी, ये गंदी हरकतें छोड़ दो, वरना मैं आपके बेटे को बता दूंगी। स्वाति ये तो मैं चाहता हूँ, तू मेरे बेटे को बता, मैं भी तो देखूँगा मेरा बेटा मेरा क्या करेगा। देखो पिताजी, अगर मैंने आपके बेटे को बता दिया ना, तो आपको खुद पता है कि वो आपके साथ क्या करेंगे। वो मेरा कुछ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? शायद तुझे पता नहीं है ना, जिस घर में तू रह रही है ना, इस घर का मालिक मैं हूँ, ये घर मेरे नाम पे, मैं जब जाऊँ तुझे और उसे दोनों को घर से बाहर खड़ा कर दूंगा, समझी? या तो मेरा कहना मान ले, नहीं मान लेगी बाकी तेरी मर्जी। देखो पिताजी, मैं आपसे कुछ भी कहना सुनना नहीं चाहती, आप मुझसे दूर रहो। जाने मन, तेरे साथ मैं दूर नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल तुझ पे आ चुका है, और राय सिंह का दिल जिस पे आ जाता है ना, राय सिंह उसको अपना बना के छोड़ता है। हाँ अमरुद तो आ गए। सुनो जी। हाँ बोल, हो गई तैयार तू? हाँ जी। अब सुमन भी तीर्थ यात्रा पर चली जाएगी, बेटा ड्यूटी पर चला ही जाता है, बाकी बची स्वाति। स्वाति को तो अपने अंडर में कर ही लूँगा। क्या सोच रहे हो जी? कुछ नहीं सुमन, मैं सोच रहा हूँ तू भी तीर्थ यात्रा पर चली जाएगी तो मैं तो यहाँ पे अकेला रह जाऊँगा, और तेरे बिना तुझे तो पता ना सुमन, मेरा मन नहीं लगेगा यार बिल्कुल भी। तो आप भी चलो ना, तुम्हारा मन मेरे से लगा रहेगा, मेरा तुमसे लगा रहेगा। बात तो तेरी ठीक है सुमन, लेकिन तुझे पता है ना, मैं तीर्थ यात्रा कभी नहीं करना चाहता। क्यों, तीर्थ यात्रा करने में क्या दिक्कत है? तीर्थ यात्रा तो बुढ़ापे में करना चाहिए, चलो मेरे साथ। देख सुमन, तेरी है ना सब बात मुझे पसंद आती है, पर तू कभी कभी जब मुझे बुढ़ा कह देना, सच दिल टूट जाता। तू ना बुढ़ा मत कह कर मुझे, बस बुढ़ा ना को क्या कहूँ फिर। सुमन तुझे मैंने बहुत बार बता ली, बस तू मुझे बुढ़ा मत कह कर, तू एक बार बुढ़ा कहेगी ना, मैं सच बोल रहा हूँ बुढ़ा ही हो जाऊँगा यार। देख बात को समझे गए ना? ठीक है जी, मैं बुढ़ा नहीं कहूँगी, मैं तो भगवान से दुआ मनाऊंगी कि तुम जवान रहो। क्या बात है, यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ ना। मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। ठीक है जी, चलो चलो।
सुमन भी गई और दीपक भी गया। स्वाति को बुलाता हूँ। स्वाति, ए स्वाति, आज स्वाति से अपनी भड़ास निकाल करूंगा। स्वाति, लीजिए पिताजी पानी। स्वाति बैठो। अरे बैठो ना। ये क्या बदतमीजी है पिताजी? स्वाति, पानी तो बड़ा मीठा है। पिताजी आपकी समझ में नहीं आता, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, एक बार दो बार, पर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैं आपकी बेटी के जैसी हूँ। बेटी के जैसी है, लेकिन बेटी तो नहीं है ना। तो और हाँ बात सुन, ऊपर से लेके नीचे तक नोटों में तोल दूंगा, नोटों में। और हाँ एक बात और सुन, मैं जो कह रहा हूँ ना, मेरी बात को मान जा, बहुत फायदे में रहेगी। अरे जहाँ तक बात है दीपक की, सुबह जाके शाम को आता, रात को उसके पास, दिन के लिए मैं हूँ ना। और हाँ तेरी सास है ना, वो मैंने तीर्थ यात्रा करने भेज दी, अब कोई दिक्कत ना है, बात को मान ले। पिताजी जैसा आप चाहते हो ना वैसे कभी नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी पर ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूंगी। तू इसे घिनौना काम बता दिया? अरे इस काम के पीछे तो दुनिया चल रही है, तो घिनौना काम बता रही है? अरे बुद्धि से काम ले, बुद्धि से। जीवन में आनंद के सिवा कहीं कुछ नहीं है, और आनंद मैं ही दे सकता हूँ। क्यों? मेरे पास नोटी नोट है, नोट। स्वाति अगर तूने मेरा कहना नहीं माना ना, तो समझ ले राजी राजी, नहीं तो गैर राजी। अरे दीपक बेटा। नमस्ते बेटा। बेटा ड्यूटी से बहुत जल्दी आ गया। हाँ पिताजी, आज बॉस के लड़के का ना बर्थडे था, तो बॉस ने दावत दी और जल्दी छुट्टी कर दी। अच्छा अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। स्वाति तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं बेटा, स्वाति बेटी से मैंने पानी मंगवाया था, स्वाति बेटी ने मुझे पानी ला के दे दो। ले बेटी ले, और जा बेटी तू अपना काम कर ले, जा बेटा जा जा। बहुत बहुत अच्छी है। पिताजी खाना वाना खा लिया आपने? हाँ बेटा मैंने खाना खा लिया। पिताजी अब तो कंपनी ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। अच्छा बेटा ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बेटा तू बैठ, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो पिताजी? बस बेटा थोड़ा खेतों वेतों पर घूम आऊँगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है पिताजी। आज तो पिताजी पता नहीं कैसे अजीब अजीब से लग रहे थे, शायद कुछ बात हो गई है। तो कैसे बैठी? कुछ नहीं जी, वो बस काम करके थक गई थी तो इसलिए बैठ गई। वैसे आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे यार वो एक्चुअली क्या था, आज जो हमारे सर है ना उनके लड़के का जन्मदिन था। अच्छा। तो बस वहाँ पार्टी वार्टी हुई, जल्दी छुट्टी कर दी सर ने। चलो ये तो अच्छा हुआ। अरे तो थक गई थी तो आराम कर लेती, इतना काम करने की जरूरत है? आराम तो मैं कर लूंगी, अभी बस थोड़ा सा काम और बच रहा है, उसको खत्म करके फिर मैं आराम कर लूंगी। कोई बात नहीं, काम बाद में भी हो जाएगा, आप अंदर जाओ आराम करो। चलो। अच्छा चलो ठीक है मैं आराम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बताओ क्या बात थी? कैसे बताऊँ, पता नहीं आप मेरी बात पे यकीन करोगे या नहीं। अरे बात बताओ तो सही। मुझे डर लगता है कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, बात ही कुछ ऐसी है। स्वाति जब तक तुम बात बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि बात क्या है? देखो मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, पर आज मजबूर होकर मैं आपके पिताजी की हरकत बताना चाहती हूँ। पिताजी की हरकत? हाँ पिताजी की हरकत। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू जानती है तो क्या कह रही है? हाँ मेरा दिमाग ठीक है, और मुझे पता था आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। अच्छा चल बता बात क्या है। आपके पिताजी की हरकतें ठीक नहीं है, उन्होंने मेरे साथ कितनी बार बदतमीजी की है,
मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, पर आज मजबूर होके मैंने आपको ये बताई है। स्वाति, तुझे पता तू क्या कह रही है? मुझे पता था आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच्चाई अब अपनी आंखों से देखोगे आप। तुझे पता है वो मेरे बाप है, और बचपन से लेके आज तक उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है। वो मेरे पिताजी नहीं, वो मेरे भगवान है, और तू मेरे बाप के ऊपर इतना घिनौना इंजाम लगा रही है। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? पिताजी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर कितना घिनौना इंजाम लगा रही है? कोई बात नहीं पिता, बहन दे, बालक है, बालक बुद्धि है, धीरे धीरे सब समझ जाए। देखो पिताजी, अगर किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बोला ना, तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो मेरी घरवाली ही क्यों ना हो। दीपक बेटा, मेरी बात सुन, गर्मी से काम नहीं चलता है, है? इस बात को तो यही खत्म कर दे, इसी में फायदा। बेटे रो मत बेटा, तू जा, तू काम देख अपना, जा जा बेटे जा, तू भी चल, झगड़ा करना ठीक ना होता बेटा, बालक है अभी वो। ठीक है, जा आराम कर। स्वाति, तू कितनी भी ताकत लगा ले, दीपक मेरा बेटा है और मेरे ही पक्ष में बोलेगा, और जो मैं दीपक से कहूँगा ना वो वही करेगा। तेरी सारी कोशिशें बेकार रहेंगे बेटा, बेकार। आज नहीं तो कल तुझे मेरी लाइन पे आना पड़ेगा। तो अभी बोलूंगा ना, तुम तो जा यहाँ से। अब एक बात बता, जब हम गए थे कहाँ मेरठ, उस टाइम मई मिले थे ना, और तो मतलब एक बात बता मेरे को, जब मेरठ पे तो आई थी, उसके बाद फिर जब मैंने तुझे रात को बुलाया था तो तू कब आई थी? 2 बजे रात को, 2 बजे तू ना। अगर याद कर, क्या कहा था तुझे? कहा था 1-5 मिनट के लिए इधर आओ। हाँ। फिर मैं आ गई थी। अच्छा। आके तूने करा क्या? ये बताऊंगा। तुम उठाया था सोते हुए को? फिर कुछ गिर गया। कुछ तो करा होगा। नहीं, बस तुम उठाया था, उठ गए थे। मैं कहा था? कहा था ना? पर ये नहीं, ऐसा कुछ कहा ही नहीं था मैंने, ये नहीं कहा था। नहीं मैंने, वो जब छत पर गए थे तब मैंने आपको समझाया था, पर आपकी समझ में नहीं आया था। क्या समझाया था? हमने, मैंने किसी के बारे में समझाया था। ओह वेरी नाइस, पर आपको समझ में नहीं आता ना मेरी बात। यार सोनिया, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? कायदे में अब तुम्हें अपनी माँ से बात करनी पड़ी। मुझे हंसी आ रही तुम्हारी बातों पे। मैं अपनी शादी की बात अपनी मम्मी से कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें आना पड़ेगा ना मेरी शादी की बात करने के लिए मेरी मम्मी से। बात तो तेरी सही है, बात तो मुझे करनी पड़ेगी तेरी मम्मी से। वही तो मैं कह रही हूँ। चल ठीक है, मैं कल आता हूँ तेरी मम्मी से बात करने। लेकिन यार अगर तेरी मम्मी ने मना कर दिया तो? देखो मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी सारी इच्छा पूरी करती है। तुम एक बार आओ तो सही शादी की बात करने, अगर उन्होंने मना किया तो देखेंगे फिर क्या होता है। सोनिया देखो, तुम्हारे कहने से मैं हर हालत में तुम्हारे घर तो आऊँगा, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा? और तुम्हें तो पता है सोनिया, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। सोनू, तुम्हें भी पता है मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो, और तुम ये भी जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ सोनिया, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हाँ भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। I love you, Sonia. ठीक है सोनिया, अब घर चलते हैं।
हाँ लेकिन याद रखना कल आपको आना है। ठीक है। सोनिया, सोनिया क्या कर रही थी तू यहाँ इस लड़के के साथ? देखो भैया मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। तुझे तो प्यार मैं कराऊंगा। भाई साहब मैं मानता हूँ मैं बहुत छोटे परिवार का लड़का हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरी औकात है प्यार करने की? 2% के इंसान झोपड़ी में रहने वाले, तेरी औकात है तो प्यार करेगा इससे? झोपड़ी में रहने वाले गंदी नाली के कीड़े, महलों का ख्वाब देख रहा है तू? भैया मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, और अगर मैं मर भी गई ना तो भी मैं इसी को प्यार करूंगी। भैया भैया चलो भैया भैया। भाई साहब इसे प्लीज मत ले जाओ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँ। भाई साहब मत ले जाओ इसे, भाई साहब आपके हाथ जोड़ता हूँ। भैया छोड़ भैया। मुझे चाहे मौत दे दे लेकिन मेरे प्यार को सुरक्षित रखना। सोनिया, मुझे क्या लगता है कि हमारा प्यार सफल नहीं होगा? तुम ठीक कहते हो सोनू, पर मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ, अगर मैं जिंदा रही तो तुम्हारे साथ, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो क्या कह रही है तू, पागल हो रही है? हाँ मैं पागल हो गई, और इतनी पागल हो गई कि भगवान भी आके मुझसे कहेगा कि सोनू को छोड़ दे, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तू टेंशन मत ले सोनिया, अगर तुम्हारी मम्मी हमारा प्यार स्वीकार नहीं करेंगी ना तो हम गांव छोड़कर भाग जाएंगे। मेरे ससुर को इतना समझाया, मेरी भी नहीं मान रहा, उसी की जड़ में बैठा, मैं बताऊंगा। भाई साहब आप चाहे मुझे जान से मार दो लेकिन सोनिया से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा? सोनू! चुप! मैंने उस दिन तुझे समझाया था ना कि अगर इसके साथ मैंने तुझे देख लिया तो जान से मार दूंगा, पर तू नहीं मानी। आज तुझे बताता हूँ। भैया, भैया, सोनू, भैया, भैया प्लीज चल। सोनिया
समझा लियो इसे। अब बता क्या बात है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। मुड़ो दीपक मुड़ो आ ले माँ। मैं सोच रहा हूँ उस लड़के के यहाँ आने से पहले मैं उसके घर का लगूँ। तू सही कह रहा बेटा, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ठीक है माँ चल। ये औका देश की खोई में मंडा पड़ा है, खोई में। और ये घर देखो, इसको ये औका देश। देख बेटा मैं तुझे तभी से समझा रही हूँ, मेरी बेटी की तरह आँख उठा के देख मत रही हो। और जो तूने आँख उठा के देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं है, समझ गया तू। माँ जी अगर आपकी बेटी कह देना कि वो मेरे से प्यार नहीं करती तो विश्वास करो मेरा, मैं उसकी तरफ कभी नहीं देखूंगा। वो देखे या ना देखे तू अपनी औकात में रहे, समझ गया। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, मैंने तेरी दो गलतियां माफ कर दी, तीसरी नहीं करूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। देखो भैया आप चाहे मुझे जान से मार दो या मुझे जीवन दान दो, लेकिन मैं सोनिया से प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूंगा। ठीक है तू देखता रहे, समझ गया। तू ऐसे ना मानेगा, तेरी दो टके की औकात आज के बाद अगर मैंने तुझे सोनिया के आस पास भी देखा ना तो तुझे चांद चलवा चल। सोनिया घर में नहीं है। सोनिया घर में नहीं है, तू क्या कह रहा। मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ गई तू। माँ मैं सही कह रहा हूँ, घर छोड़ के चली गई यार, मुझे ऐसा लगा ज्यादा दूर ना गई, चल के ढूंढ रहे। चल आओ माँ। हमें भागना पड़ेगा सोनिया, हमने अब तक गांव भी पार नहीं करा पूरा। मुझे पता है तुम्हारे माँ और तुम्हारा भाई हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगा। क्या? तो एक काम करते हैं, एक आइडिया मेरे पास। मेरे पास ये इनो का पैकेट है, हम इसे मुंह में डाल के झाग बना लेते हैं, उन्हें लगेगा हमने जहर खा लिया और हम मर गए। सोनी अगर मुझे पता होता कि तू इससे इतना प्यार करती है तो मैं तुम दोनों की शादी करा देता। हाँ मुझे भी नहीं पता था, मैं तो आधी समझ रही थी कैसा ही है, मुझे ना पता इतना प्यार करते हैं दोनों। सॉरी बेटा। तो भैया अब करवा दो हमारी शादी। क्या इसका मतलब है ड्रामे। हाँ भैया अब तो आप हमारी शादी कराओगे ना। ओ भैया अभी अभी आपने बोला ना, अगर आपको पता होता हम दोनों में इतना प्यार है तो आप हमारी शादी करा देते। अब अपनी बातों से मत मुकरो,
हाँ भैया प्लीज, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इसका हाथ चाहिए। बेटा दे दे अपनी बहन का हाथ इसके हाथ में, इन दोनों का सच्चा प्यार है। आज मुझे पता लगा कि सच्चा प्यार सच्चा प्यार। मैं तुम दोनों के रिश्ते से दोनों खुश रहो। हे जहाँपीर बाबा, अब तो मेरी पुकार सुन लो। तेरे दर पे आते आते मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे एक बेटा या बेटी दे दो, चाहे तो एक बेटी दे दो, मेरी विनती सुन लो। तू तो बांझ है ही, मेरे बच्चों को भी खा जाना चाहती है। दीदी ये क्या कह रहे हो आप, मैंने तो हमेशा आपको अपनी दीदी माना, पर आपने मुझे हमेशा सौतेली बहन माना। और दीदी मोहित मेरा भी तो बेटा है, एक माँ अपने बेटे को कैसे खा सकती है। मोहित मेरा बेटा है, केवल मेरा ही बेटा है, और बांझ औरत को किसी के बेटे को छूना नहीं चाहिए, समझ गई। कामनी तेरी सोच है ना बिल्कुल घटिया, जो तू सोच रही है ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम चुप रहो जी, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ कामनी यह बात तो है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान कब किसको भिखारी और भिखारी को राजा बना देना कुछ नहीं पता होता। तू जो सोच रही है ना बांझ और बेबांझ वाली बात, ये सब बकवास है बकवास। और सुन, भगवान कब किस पे मेहरबानी कर दे, मेरा मतलब है कब किसकी गोद भर दे कुछ नहीं पता होता, किसकी गोद सोनी कर दे कुछ नहीं पता होता। तुम चुप हो जाओ जी, बांझ की शक्ल देखना महापाप होता है। बेटे को लेके चल घर में। बेटा तो चिंता मत कर, भगवान आज नहीं तो कल तुझे संतान जरूर देगा। और बेटा कामनी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उसका तो दिमाग है ही ऐसा। भाई साहब माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत करो, बस अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखो, बस यही काफी है मेरे लिए। भगवान तुझे खूब सुखी रखे। सुनो बेटा खुश रहो। आज कविता ने इतनी देर कहाँ कर दी? कविता आ गई तुम? हाँ जी आ गई। चल तू एक काम कर, मेरे लिए खाना पैक कर दे, मुझे फिर काम पे जाना। खाना। कविता? हाँ जी। कविता किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं जी। क्योंकि तेरे चेहरे पर रोज की तरह मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो थोड़ा सा सर में दर्द था इसीलिए बस। सर में दर्द था तो बता देती।
मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता। एक काम कर, मैं ड्यूटी बाद में चला जाऊंगा, पहले तू मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास। चल, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सर में दर्द ही तो है। लौंग अदरक की चाय पीऊंगी तो ठीक हो जाएगा। आप अपने काम पे जाओ। ठीक है। और हाँ, अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास चली जाना। ठीक ठीक है जी, ध्यान रखना। कामनी, ओ कामनी। आए जी, तेरे पापा ने भी हद कर रखी है। दिन नहीं निकला के हो गई शुरू। कामनी कामनी, तू जा बेटा, टूसा पड़ गया। पता नहीं कामनी क्या कर रहे है। कामनी जी, 10,000 रुपए ला दे, मुझे खेत के लिए खाद और दवाई लेके आनी है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, खेती का काम सारा तुम ही क्यों करते हो? पवन क्यों नहीं करता? वो भी तो आधी कमाई लेता खेती में से। काम नहीं तेरी होगी बुद्धि खराब। कौन सा काम नहीं करता पवन? सारा दिन खेतों में काम करता है बेचारा। वो अभी पता है खेत की नाली साफ कर रहा है। वो जाकर देख खेतों पे क्या करता क्या नहीं करता वो। और सुन, कविता से ज्यादा मुंह मत बनाया कर तू अपना। मैं क्यों मुंह बनाने लगी? मेरा क्या मतलब है? उस बांझ से कह दो मेरे बेटे से दूर रहे। कामनी, पुरानी बातों पे मत जाया कर। ये तो उस बिचारी का नसीब है कि उसको संतान नहीं हुई अभी तक। और कामनी, ये भी हो सकता है आने वाले कल में परमात्मा उसकी सुन ले, उसका नसीब खुल जाए और तुझे शर्मिंदा होना पड़े। बस सुन ली, आकर पैसे ले लो और हाँ, मेरे साथ मंदिर चलो। चल ठीक है, पहले मैं तुझे मंदिर लेके चलता हूँ। चल खड़ी हो, अपनी खराब करके फेंक दी। कविता, कविता, जल्दी इसको गोदे में उठा, जल्दी उठा। डॉक्टर साहब, प्लीज बहुत जल्दी देखो। डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आओ। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस हल्की सी गुम चोट है। अच्छा, मैं दवाई लिख देता हूँ, तो इसे टाइम पे देते रहना, सब ठीक है वैसे तो। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये दवाई टाइम से दे रहे हैं, सुबह की है या शाम की है? वैसे कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी हल्की सी चोट है, गुम चोट है वो। कामनी, कविता को उठा। कविता, उठ बेटा, ले चप्पल पहन ले, आराम से। चक्कर तो ना आ रहा बेटा? चल, भगवान का शुक्र है। चल बेटा आ जा, गोदी आ जा, गोदी। आराम से, आराम से।
अब तुझे पता लगा कविता का दिल कितना बड़ा है। अगर तेरी आंखों में शर्म है ना तो कविता से जाकर माफी मांग ले। तुम सही कह रहे हो जी, चलो। उस दिन कविता नहीं होती ना तो हमारे पास मोहित नहीं होता। चल। ले कविता, बोली ले। तबीयत कैसी आपकी? अब मैं ठीक हूँ जी, अब मैं ये दवाई भी नहीं खाऊंगी। चलो भला हो बड़े भैया का जो सही टाइम पर पहुंच गए। हाँ जी, अगर बड़े भैया नहीं होते तो शायद मैं आज आपके साथ ना होती। पता क्या है कविता, बड़े भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद वो समझते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते पवन। बेटा ठीक है तू अब? हाँ जी भैया। दीदी नमस्ते। नमस्ते कविता। कविता मैं तो तुझे सौतेली बहन समझती रही, लेकिन तूने तो सही माँ से भी ज़्यादा अपने फर्ज निभाया। कविता तूने मोहित को दूसरा जन्म दे के ये सिद्ध कर दिया कि तू सही माँ से भी ज़्यादा बढ़ के है। मुझे माफ़ कर दे बहन, मुझे माफ़ कर दे। दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, समय के अनुसार जो होना होता है वो होके ही रहता है। देवर जी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। भाभी जी आप माफी मांगो, मुझे शर्मिंदा ना। लव प्यार किसको कहते हैं? इसी को प्यार कहते हैं जिसे तो बांझ बांझ कह के बार बार ताने मारती थी। तेरे बेटे की जान उसने अपनी जान पे खेल के बचा के ये सिद्ध कर दिया। ये जिसे जाते मोहित को ये प्यार करते, ये जिसे तू बांझ बांझ कह के बार बार ताने मारती ताने। और पता है भगवान कब किसकी किस्मत बदल दे कुछ नहीं पता होता। और तुझे एक बात बताऊं, कविता बांझ नहीं है, कविता से मैं सुनते हैं। हे भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, तुमने मुझे सही सुना दी। अब तुम दोनों जाओ, मुझे कविता से कुछ बात करनी है। ठीक है आओ भाई। कविता सच सच बताना, कौन सा महीना चल रहा है तुझे? भाभी सातवां महीना चल रहा है। भगवान की बड़ी बड़ी मेहरबानी। कविता मैं गारंटी के साथ कहती हूँ तुझे बेटा ही होगा। और सुन आज के बाद तू हाथ नहीं लगाई किसी काम से, मैं करूँगी सारा काम जब तक बेटा नहीं हो जाता, ठीक है? और तुझे मेरी हर बात माननी होगी। जैसी आपकी आज्ञा। चल ठीक है, तू आराम कर और मैं खाना बनाती हूँ सबके लिए। अरे दीदी थोड़ा बहुत काम मैं भी करा दूंगी आपके साथ। अभी मना कराना तेरे से कि कुछ काम नहीं करना, जो भी काम करूंगी मैं करूंगी, समझ गई? अन्य धरपट लगाऊंगी खींच के। चल जा आराम कर। अब जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी, अब मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी अगर आप भी नहीं करूंगी। हाँ ठीक है जा। अरे मोहित बेटा आज मेरे पास लेट जा। मैं चाची में बड़ा हो गया। अच्छा अब तो इतना बड़ा हो गया कि अपनी चाची के पास लेट। चलो चली गई हरिद्वार नहाने। खैर कल तो आई जाएगी, कल बताऊंगी इसको मैं। हाँ भाई क्या हाल है तेरे? बच्ची मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? ये आपने मेरे रैपट क्यों मारा? मारे जा रहे हो। आप समझ क्या रहे हो अपने आप को? मैं अपने आप को जो भी समझ रहा हूँ
लेकिन ठीक समझ रहा हूँ। मैं अपने भाई को बुला लूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ, बुला अपने भाई को। जितना तू मेरी माँ को तड़पाती थी ना, उसका 2 गुना नहीं 50 गुना तुझे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। जा, जो होता हो कर लियो। मैंने क्या किया माँ के साथ? सारा काम तो मैं करती थी, माँ से तो मैं कुछ भी नहीं कराती। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, और तू क्या समझ रही है माँ हरिद्वार गई है? माँ रामपाल चाचा के घर पे है, समझी? हेलो, नमस्ते भैया। रिया, सच को छुपा मत। आज से 10 दिन पहले जब मैं तेरे घर आया था ना, और जैसे मैंने दरवाजे में कदम रखा, तू अपने सास को मार रही थी, और ये सब देख के मैं शर्म के मारे यहाँ से वापस चला गया। क्या भैया, आप आए थे? हाँ, मैं आया था। आंसू, तुम्हें जो करना है ना वो करो, मैं तुम्हारे बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। अरे, तुझे तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। सास का जो दर्जा होता ना, वो माँ बाप से भी ऊपर होता है। भैया, मुझे माफ कर दो। अरे पगली, मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? माफी मांगनी है ना उस सास से मांग जिसके तूने दिल दुखाया। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? भैया, माफ कर दो मुझे। अच्छा, मैं माफ कर दूँ? ये तो स्टार्टिंग थी, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। तो तुम पे 1000 किया, तुम्हें इतना मारा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तू बहू से हाथ नहीं लगाएगा, मैं ये कह रही हूँ। माँ, ये तू कह रही है? हाँ, मैं कह रही हूँ। अगर तू ये चाहता मैं इस घर में रहूँ, तो तू बहू का हाथ नहीं लगाएगा। मैंने इन सास के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी ये मेरे पक्ष में बोल लिया। रिया, डूब मत चुल्लू भर पानी में। तू जा बेटे, इसे मैं देख लूंगी। कैसे जाऊँ माँ, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि आपसे माफी मांग सकूँ। माँ, ये तू क्या कर रही है? इसने तुझ पे इतने जुल्म करे और तू इसे माफ कर रही है? बेटा, तू नहीं जानता, माँ ममता की देवी होती। बेटा, मुझे माफ कर दो जी, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। बेटा, इसे माफ कर दे, मैं कह रही हूँ तुझसे। माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, इसलिए मैं तेरी बात का पालन करूंगा। माँ जी, मुझे माफ कर दो, कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी माँ जी। जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए ध्यान रखना बेटा, ठीक है? माफ कर दो माँ जी। वाह जी वाह, आज तो जुगाड़ एक नंबर का मिल गया। देखिए क्या बात, तू सिर पे चिढ़ जा। तुझे शर्म ना आती? दाढ़ी में तो तेरे धोले बाल आ रहे, मेरे की तरह तो तेरे बाल अक हो गए। क्यों, के कह दिया? मन्नत करता है, कहने में बिसर क्या रहा? अरे अरे, देखिए कुछ कहने का सिर पे चिढ़ जा गई। सिर पे क्यों ना चढ़ू, जब मैं यहाँ लेट रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ लगाने की? वह मैं तो नू हाथ लगा देता, पता नहीं कौन है, क्यों है, क्यों लौट रही यहाँ? अच्छा, तू जिम्मेदार है सबका? अरे जिम्मेदार ना, जिम्मेदारी तो मैं नू दिखा था, मैं खेत में पड़ी, मगर पता नहीं क्या बात होगी। ये जिम्मेदारी ना अपने घर वालों के साथ निभाई है, मेरे से पंगा लेने की जरूरत ना आया। महंगा ही जूता, महंगा ही सिर, अब महंगा ही खेत में पड़ी, अब पता हमें कह गई। हाँ, खेत तो तेरे दत्ता का है। अरे खेतों में तो कोई भी लेट जावे आके। अच्छा, खेतों में लुटेगी आज लुटा दी। माँ, ये बकवास कर रहा तू? बकवास तो मैं ही बकवास। माँ, शीतल 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 शीतल।
चल घर चल, अगर तुझे कुछ हो जाता हम तो कहें के भी ना रहते। लेकिन भैया मुझे मम्मी ने बहुत जोर से डांटा था। अरे शीतल, उनका अधिकार है हमें डांटने का, अगर वो नहीं डांटेंगे तो फिर कौन डांटेगा। मजाल मेरी शीतल बहन की तरफ को कोई आंख उठाकर भी देख ले, और जिसने देखा उसका अंजाम देख। चल घर चल। हेलो सर, दो घंटे सर हो गए मुझे यहाँ बैठे बैठे, नहीं पता लग रहा कहाँ है कहाँ नहीं, किसी का पता नहीं लग रहा, शीतल का ना किसी का भी। हेलो क्या बात भाई? दो घंटे शीतल का कुछ पता ना। क्यों भाई भी सर उठन जा रहा? हाँ क्यों, क्या बात होगी जी भाई? जी कुछ भी नहीं, थोड़ी सी डांट से बुला देती, जब की जा रही अब लोग नहीं आई। ऐसा क्या कहते तो भाई? कहते के अपनी सहेली का झाड़ती, मैंने कह दी इतनी देर ना जाग रहे बाहर को, बस इतने में छोकर चली गई। ऐसा कुछ गलत तो तने कहा नहीं भाई? नहीं मम्मी, आपका पूरा अधिकार है मुझे डांटने का भी और मुझे समझाने का भी। आज के बाद मैं ऐसे ने घर छोड़ के नहीं जाऊंगी जैसे कि आज गई थी। माँ बाप को फर्ज हो गया समझाने का, ऐसा कुछ नहीं। पापा कैसी बात कर रहे हो आप? ये आपका अधिकार है मैं समझाने का और धमकाने का। हाँ भाई, बच्चों को प्यार से समझाएंगे, आज जल्दा कुछ बोलिए अपना प्यार से कोई। जैसा आप करे ऐसी समझाऊंगी। और दोस्तों ये तो इनके घर की बात थी, अगर उसका भाई टाइम पे खेत में न जाता तो न जाने क्या हो जाता, क्योंकि बहन भाई का एक प्यार ऐसा है जो किसी का नहीं हो सकता। एक बहन अपने भाई के साथ, बहन माँ के साथ डांट पिला के चली गई, लेकिन उसे एहसास हुआ इस बात का कि हमारे माँ बाप कुछ भी कह सकते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं तो उनकी बात माननी भी चाहिए। मैं संजीव जांगड़ा यूपी डिस्ट्रिक्ट बागपत अपनी टीम के साथ, जय हिंद जय भारत। भाई गंजे राम राम। राम 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 थारी दो दो राम राम। और भाई ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुम भी ठीक हो? उतर गया नशा? नशा हम कद पियो है? के चढ़ गया था हमारे ऊपर? हम कौन सा नशा करे? नशा जोन सी पीवे तू? वहां 12 पे के था? 12 पे वो किसकी 12? कौन सी 12? थारे वाली 12 तड़की। भाई 12 पे के था? हम के थे 12 पे, हम तो भंडारा खान जा रहे थे। सुन भाई सही कह रहा हूं, हम तो भंडारा खान गए थे, मुझे ऐसा लगा तुमने कोई सपना देख लिया होगा। अच्छा मैंने सपना देख लिया? जिम मैंने गोली छोड़ी थी, जिम कह रहा था दोनों फुदक के पड़े थे एकदम तक। अरे छोड़ इन बातों से, छोड़ भाई, चल छोड़, चल इन इधर छोड़ तू। भाई वो साली आ रही कौन है? साली आ रही फिर क्या करूं? मैं तो नौ कहूं था, थोड़ी सी बात करवाया था हमारी थी। डरामा ना करे, थारे जैसे शराबी तो बात करेगी वे। आगे बैठो बैठो। देखो जीजा कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक लग रही हूँ ना, अच्छी लग रही हूँ ना? जी जैसा के पूछ जाए, माये से पूछ कैसी लग रही, हम बतावेंगे। पटोला लग रही, बता पटोला। अच्छा साड़ी मारी बढ़िया तमा लग रही है भाई। लहंगा पराया हमने, सजावट कराई हमने, मेकअप कराया हमने, साड़ी है मारी बढ़िया लगेगी तमें, क्यों लगेगी भाई? भाई मैं तो नो कहूं था, देख हम तो रंडे मुंडे दोनों ऐसे ही, माये तो ना बहू ना कुछ,
हम तो देख देख कर राज्य हो ले, वो आज वो भी करवा चौथ है। ठीक है जीजा, मैं तो चल रही हूँ और आज मेरा व्रत भी है, इन नशेड़े को तुम ही झेलो। जिसके मारो आए थे वह तो गई, साली तो गई, अब हम क्या करेंगे, हम भी चल लें इस गंजी का, क्या करेगा हम, इसके कौन सा सिपा में नवरत्न चुपड़ना। चल भाई, साली गई क्या करेगा हम बैठ कर, बता भाई, ये नशेड़ी भी मेरी साली को देखना आ रहे, और इल्ला ही नहीं रहा है ना कुछ, जी तो नुकरे लेके लठिन की दही तोड़ दूं। अरे साली मारी, खर्चा करें हम, बुलावें हम, हर देखना रे ये।